हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, वेलकम, समस्ते। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्री फायर में आने वाला नेक्स्ट वेपन वैली के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि ये वाला वीडियो वेपन वैली के ऊपर हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। इस बार का वेपन वैली बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। वो क्यों, आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ काफी सारे और भी चीजें, जैसे कि लिमिटेड टाइम डायमंड और तो रेड क्रिमिनल बंडल का कंफर्म इवेंट, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर से आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। फिर बिना किसी देरी किए, बिना किसी वक्त पर बात किए, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। फ्री फायर में न्यू टाइप का यानी कि नियन रेड क्रिमिनल बंडल आप सभी को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। ये तो हर कोई बता रहा है, पर क्या आप लोगों को पता है सभी का पसंदीदा रेड क्रिमिनल या फिर नियन क्रिमिनल बंडल आप सभी लोगों को किस इवेंट में देखने के लिए मिलेगा? खैर, इस वाले टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने आज सुबह अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर भी बात कर लिया था, पर हर कोई शॉर्ट वीडियोस को पसंद नहीं करता देखना, तो इसलिए मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो के अंदर भी इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी ने स्क्रीन के ऊपर देखा, टोकन टावर ये इवेंट होने वाले जिसमें आप सभी लोगों को न्यू नियन बंडल गेम के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों, डायमंड्स तो इस वाले इवेंट के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा था ग्रीन क्रिमिनल के टाइम पे क्या हुआ था, लगभग सभी बंदों ने ग्रीन क्रिमिनल बंडल को बहुत ज्यादा मात्रा में निकाल लिया था, पर यार उसके बाद जाकर के अभी आप लोग देखिएगा गेम के अंदर आप लोगों को कोई भी बंदा ग्रीन क्रिमिनल यूज करता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर करता भी होगा तो पहले जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि हां बंदा क्रिमिनल बंडल पहना हुआ है। बिल्कुल सेम चीज होने वाला है रेड क्रिमिनल के साथ भी गेम के अंदर जब ये रिटर्न में आता है। तो अगर आप लोग के पास ढेर सारे पैसे हैं फालतू के खर्चे करने के लिए, तो यार आप लोग इसको निकाल सकते हो, वरना गेम का स्थिति तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप उनमें से हो हमारे तरह, जो लोग गेम के अंदर बहुत कम रुपए खर्चा करते हो, सोच समझ के खर्चा करते हो, तो फिर इस वाले इवेंट के अंदर एक भी डायमंड मत लगाना। चले दोस्तों, इसी के साथ साथ वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाला नेक्स्ट मोको हैकर स्टोरी इवेंट के बारे में। एक टाइम ऐसा भी था जब दो तीन दिन में आप सभी लोगों को एक एक न्यू मोको हैकर स्टोर देखने के लिए मिल रहा था, कि अब चार पांच दिन का डिफरेंस आ ही जाता है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट मोको हैकर स्टोर आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, उसमें आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार का बंडल देखने के लिए मिलेगा। आज ग्रैंड प्राइज, ये जब बंडल आता है आप लोगों के सामने, इसका एनिमेशन तो बहुत ज्यादा तगड़ा निकल के आता है, पर अरे एनिमेशन खत्म होते ही बंडल का असली औकात हमारे सामने निकल के आ जाता है। उतना भी कुछ खास नहीं लग रहा है बंडल, एंड बाकी सारे बंडल्स आप लोगों को इधर पुराने देखने के लिए मिलते हैं, या फिर कोई पुराने बंडल को रीब्रांडिंग करके उसको नया जैसा बनाने का ट्राई किया गया है, रंग चढ़ा दिया गया है उसके ऊपर, कुछ इस टाइप का बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। बाकी ये पर्टिकुलर बंडल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगेन बता रहा हूँ, अराइवल एनिमेशन के ऊपर नजर मत डालना, अब गेम के अंदर ये आप लोगों को कैसा दिख रहा है इसके ऊपर आप लोग नजर डालिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा ये बंडल आप लोगों को कैसा लगा, और क्या हम लोग गेम के अंदर इसको डायमंड वायमंड लगा के निकालना चाहिए या फिर इसको ऐसे ही जाने देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग फ्री फायर को काफी लंबे समय से खेल रहे हो, यानी कि एक दो साल से खेल रहे हो, तो फिर आप लोगों को पता ही होगा पिंक डायमंड्स के बारे में। जब फ्री फायर के अंदर आप लोग आर्ट्स देखते थे, बदले आप लोगों को पिंक डायमंड्स दिए जाते थे, उसका अलग एक स्टोर होता था जिसके अंदर से आप लोग चीजें परचेज कर पाते थे वही पिंक डायमंड्स का इस्तेमाल करके। अभी फ्री फायर के अंदर एक पिंक डायमंड आने वाला है, पर वो वैसा नहीं होगा जैसे पहले था, ये अलग पिंक डायमंड होने वाला है। उसका नाम तो खैर पिंक डायमंड ही लिखा जाता था, इसका नाम है लिमिटेड टाइम डायमंड या फिर टाइम लिमिटेड डायमंड्स। इन डायमंड्स का आप लोग इस्तेमाल कहां पे कर सकते हो? आप लोगों को अगेन एक स्पेशल स्टोर देखने के लिए मिलेगा, यहां पे सारी चीजें मेंशन किया गया है। उस स्पेशल स्टोर के अंदर से इन पिंक डायमंड्स का इस्तेमाल करके, या फिर लिमिटेड डायमंड का इस्तेमाल करके आप लोग चीजें खरीद सकते हो, और इसे परचेज करने के लिए आप लोगों को लगभग 100 मैजिकल फ्रैगमेंट्स गवाने पड़ेंगे। अभी तो और एक चीज भी मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि 100 मैजिकल फ्रैगमेंट्स का अगर हम लोग एक्सचेंज करते हैं, तो फिर हमें एक मैजिक क्यूब भी मिल सकता है और साथ ही साथ लिमिटेड डायमंड भी मिल सकता है। पर हम क्या करें और क्या परचेज करना हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा? देखिए दोस्तों, मैजिक स्टोर कब से अपडेट नहीं हुआ है, जब भी अपडेट होता है उसके अंदर आप लोग को वही पुराने पुराने घटिया बंडल्स देखने के लिए मिलते हैं। उससे अच्छा अगर आप लोगों को गेम में कोई नया स्टोर देखने के लिए मिलता है जिसमें आप लोगों को थोड़े बहुत अच्छे बंडल्स या फिर अच्छे अच्छे गन स्किन्स इमोट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए इससे ज्यादा अच्छी बात और कोई नहीं हो सकता। जब से लिमिटेड डायमंड गेम के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मैजिक क्यूब के ऊपर भी मैं इन लिमिटेड डायमंड्स को बहुत ज्यादा प्रेफर करूंगा। आप लोग प्रेफर करोगे कि नहीं करोगे कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। ये भी सामने निकल के आ रहा है कि फ्री फायर का जो सबसे बड़ा दुश्मनी गेम, मतलब नाम तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका नाम लीजिए, देखते हैं किस किस को पता है। असल में वो वाला गेम बैन हो चुका है इंडिया के अंदर से। इस बात को लेकर के खुश भी हूँ और दुखी भी। खुश इसलिए क्योंकि
लिए फ्री फायर का एक राइवलरी गेम था, कॉम्पिटिटर था, ये बैन हो गया, मतलब फ्री फायर के लिए रास्ता खुल गए, फ्री फायर में अभी ज्यादा ऑडियंस आएंगे। और दुखी इसलिए क्योंकि ये जो गेम था पास्ट में भी बैन हो चुका था एक बार, उसके बाद इसको रिब्रांडिंग करके इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था, वापस ये बैन हो गया। अब मुझे डर ये लग रहा है कि फ्री फायर मैक्स कहीं बैन ना हो जाए, अब ये बैन हो गया तो फ्री फायर जो मैक्स वर्जन है वो इंडियन गवर्नमेंट की नजर में आ जाएगा और हो सकता है इसको भी बैन कर दी जाए। किसी चीज की गारंटी नहीं है, आराम से, बस एक ही गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं। तो चलिए दोस्तों, फाइनल टाइम हो चुका है कि हमारे इस वीडियो का हम लोग बात कर ले मेन टॉपिक के बारे में, जो कि निकल के आता है वेपन रॉयल को लेकर के। बहुत ज्यादा स्पेशल वेपन रॉयल इस बार आने वाले अपनी इंडिया सर्वर के अंदर, बट वो देखने से पहले आप लोग जल्दी से जल्दी इस वाले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड वाला बेल आइकन को भी ऑल पे डाल दीजिए। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, किसी चीज का गारंटी नहीं है, कल को ये गेम रहे ना रहे आप और हमारे बीच में रिश्ता ऐसे ही रहना चाहिए। जल्दी से जल्दी वीडियो को इसलिए लाइक कर दीजिए, जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था कर लीजिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना। अभी के लिए फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं फ्री फायर में आने वाला नेक्स्ट वेपन रॉयल के बारे में। तो लिस्ट तो ऐसे भी हम लोग को मिल रहे थे कि ये वाला M1014 का स्किन आप सभी लोगों को अपने आने वाले वेपन रॉयल के अंदर देखने के लिए मिल जाए, पर यार ज्यादातर लीक इस बात को लेकर आ रहे हैं, फिर ज्यादातर पॉसिबिलिटी इस बात को लेकर के आ रहा है कि ये जो वेपन वाले आप लोग देख रहे हो इसमें आप लोग को दो दो गन स्किन एक साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और इसलिए ये वाला वेपन वाले को मैं इतना ज्यादा खास बोलता ही आ रहा था, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक साथ दो दो गन स्किन देखने के लिए मिलते हैं, एक तो M24 का और एक P90 का। अगर आप लोग स्नाइपर्स को गेम के अंदर इतना ज्यादा यूज नहीं करते हो तो फिर ये वाला वेपन वाले आप लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आने वाला है, पर जो लोग स्नाइपर्स गेम के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं उन लोगों को डेफिनेटली ये वाला वेपन वाले पसंद आ सकता है, क्योंकि M24 भी गेम के अंदर एक नया स्नाइपर लॉन्च हुआ है, तो लोगों को चलाने में भी शायद मजा आ रहा होगा। मैंने एक दो बार चलाया था, ठीक ठाक सा लगा, उतना भी कुछ खास नहीं लगा। ME2 भी तो मेरे को आज भी बेस्ट स्नाइपर लगता है, AWM का डैमेज थोड़ा अच्छा है, पर जो ग्लोबल पिटसिंग कैपेसिटी है ना ME2 का वो लाजवाब है। अपडेट की क्या ही बात करें, कल हमने ट्यूनेट अपडेट दिया था कि आप लोगों को प्री ऑर्डर रिवार्ड देखने के लिए मिलेगा रात के 12 बजे के बाद। खैर प्री ऑर्डर तो आ ही गया है, गेम के अंदर कोई बड़ा सा बैनर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला है अभी तक, तो हो सकता है ये वाला प्री ऑर्डर रिवार्ड का बैनर जो है वो आप लोगों को आज के 12 बजे के बाद या फिर कल सुबह 4 बजे के आसपास गेम में देखने के लिए मिल जाए, नजर आ जाए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आज के 12 बजे के बाद कोई भी बड़ा इवेंट या फिर अपडेट आप लोगों को आज के 12 बजे के बाद गेम में नजर आएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा कल वाला वीडियो देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कल वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसा कहा था, गर्लफ्रेंड्स लेके खेलते हैं और जो लड़कियां गेम के अंदर बॉयफ्रेंड्स लेके खेलते हैं उन लोगों के लिए ये रोज वाला इमोट। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग के भी कोई है, और हमें से एक भाई ने यहाँ पे कमेंट किया है नेपाल से है वो और उनके 4 गर्लफ्रेंड्स। आज तू वीडियो बना लियो, मैं कहाँ जा रहा, मेरे कुछ जरूरी काम से नेपाल जाना है। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल चप्पल छोड़ गया, हम फर्स्ट ए स्टार्ट, हम फर्स्ट, गाड़ी चला, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।